we have 16.96% which are active cases as of today and almost 82% cases have recovered and we have had 1.09% deaths which is also the case fatality rate this is the trajectory of the cases so far yesterday we had fresh new cases to the uh, magnitude of 4 lakh 14,188 और हम देख रहे हैं कि लगभग 18 लाख टेस्ट 18 लाख छब्बीस हजार चार सौ नब्बे टेस्ट कल किए गए आ, केस ग्रोथ रेट भी लगभग एक दो प्रतिशत से कम ही बना बना है यदि हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं 50,000 से एक लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस एक लाख से ज़्यादा हैं उनकी यहाँ मैपिंग की गई है तो जहाँ पर एक लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे बारह राज्य हैं जहाँ पचास हज़ार से एक लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे सात राज्य हैं और जहाँ पचास हज़ार से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे सत्रह राज्य हैं यदि हम राज्य देखें जहाँ पर कि केस लोड ज़्यादा है वो राज्य साथ वाली टेबल पर हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र कर्नाटक, केरला उत्तर प्रदेश राजस्थान आंध्र प्रदेश गुजरात तमिलनाडु छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल हरियाणा और बिहार केस पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट uh, इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारे कितनी मात्रा में केसेस हैं और किस प्रकार से वो फैले हुए हैं तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन फाइव परसेंट देखें तो ऐसी तीन राज्यों या यूटीज़ में है पाँच से पंद्रह प्रतिशत पॉजिटिविटी नौ राज्यों में है और पंद्रह प्रतिशत से ज़्यादा पॉजिटिविटी चौबीस राज्यों में है वो कौन से राज्य हैं ये हम देख सकते हैं कि जैसे गोवा में लगभग फोर्टी है हरियाणा में थर्टी से ज़्यादा है पुडुचेरी वेस्ट बंगाल कर्नाटका दिल्ली, राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चंडीगढ़ सिक्किम इस प्रकार उड़ीसा सो इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है जो कि एक चिंता का विषय है हमारे लिए और पूरे देश के लिए लेकिन पूरे देश का एक प्रकार सा चित्र नहीं है There are many states where we also have an increasing trend in daily new cases, which is also reflected in the absolute numbers for the country. So, when we see states where the trend is going upwards, those states are Karnataka, Kerala, we can see again cases have gone up, Tamil Nadu again cases have gone up, Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar, Haryana, Odisha, Uttarakhand and similarly the other states with increasing trend in daily new cases are punjab jammu and kashmir assam himachal pradesh cases are going up puducherry and in the northeastern states of meghalaya tripura arunachal pradesh and nagaland the cases are going up and we are seeing an increased trajectory which is actually a matter of great concern and which has also been highlighted थ्रू वेरियस मीन्स विद द स्टेट्स तो बेंगलुरु अरबन कर्नाटका में वहाँ पे केसेज बहुत तेज़ी से बढ़े हैं इक्यासी हज़ार से लगभग डेढ़ लाख केसेस। चेन्नई में बाईस हज़ार से बढ़ गए हैं कोशिकोट केरला में भी उसी गति से बढ़े हैं हमारे पड़ोसी में पड़ोस में गुरुग्राम हरियाणा में केसेस बहुत बढ़ गए हैं इर्नाकुलम केरला में थ्रिशूर में केरला में मलापुरम केरला में थिरुवनंतपुरम केरला में पटना में चौबीस परगना वेस्ट बंगाल नॉर्थ वेस्ट बंगाल में कोलकाता में कोटेयम में केरला में कर्नाटका में मैसूर केरला में अलापुजा और आंध्रा में चित्तूर आप इन सब राज्यों में देखेंगे तो इन सब जिलों में काफ़ी स्टीप अपवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं उसी प्रकार कुछ अन्य ज़िले ऐसे हैं अन्य राज्यों में भी जहां की हम पिछले दो सप्ताह से एक इंक्रीज़ देख रहे हैं देहरादून में 7000 से लेके आज हम 16000 केसेस देख रहे हैं पालक्काड केरला में सतारा में महाराष्ट्र में ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में शोलापुर महाराष्ट्र में श्री काकुलम आंध्र प्रदेश में कोल्लम केरला में आप देख रहे हैं चार हजार से चौदह हज़ार लगभग तीन गुना सो लगभग सभी इन जिलों में केसेस इस प्रकार की तेज़ गति से बढ़ रहे हैं विशाखापट्टनम में चार हज़ार से तेरह हज़ार कन्नूर केरला में सात हज़ार से तेरह हज़ार हो गए हैं टुमकुर कर्नाटका में चार हजार से बारह हज़ार आंध्र प्रदेश में गुंटूर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में फ़रीदाबाद में उड़ीसा में खुरदा में जो कि कैपिटल भी है यहाँ इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं